फिरोजाबाद में 4 मई को नगर निगम एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों का भविष्य मत पेटिकाओं में बंद कर 13 मई को प्रत्याशियों का भविष्य लोगों के सामने होगा। आपको बता दें फिरोजाबाद में एक नगर निगम व 3 नगर पालिका सिरसागंज शिकोहाबाद टूंडला के साथ साथ 4 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। वहीं ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रख वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स के साथ जनपद में पीएसी को तैनात कर 24 घंटे ईवीएम की सुरक्षा कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में सकुशल संपन्न हुए मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम एवं मतगणना वाले दिन पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था व मतगणना केंद्र के 5 किलोमीटर के दायरे में केवल अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश तथा जनपद फिरोजाबाद में लागू धारा 144 का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटिकाओं की सुरक्षा में लगे पुलिस एवं पीएसी बल को जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारी उच्च अधिकारी गणों द्वारा आकस्मिक चेक कर साथ ही ड्यूटी रोस्टर को भी चेक कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने हेतु पुलिस बल को विशेष दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। वहीं किसी भी जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिरोजाबाद से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मतगणना के लिए किस तरीके से तैयारी है और कहाँ कहाँ ज़्यादा लगाया गया है, क्या है? देखिए, मतदान जो है वो सकुशल संपन्न हुआ। अब जो है वो ईवीएम सुरक्षा के लिए जो भी हमारे 5 स्थल हैं उस पर जो स्टैंडर्ड मानक सुरक्षा है, गार्ड वगैरह है और जो पीएसी कंपनी है वो सब लगी हुई हैं। और जो मतगणना वाला दिन है उसके लिए भी फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमने मतदान में सुरक्षा व्यवस्था की थी, पूरे जनपद को जोनल जोन सेक्टर में बांटा था, उसी तरीके से जोन सेक्टर में पूरे जनपद को बांटा जाएगा। इसके अलावा जो मतगणना केंद्र है उस पर खासतौर से 5 किलोमीटर के अंदर में केवल अधिकृत व्यक्ति ही पास आ पाएंगे, उसके लिए भी जो मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था उसको बनाया जा रहा है, सूचना तंत्र को एक्टिव किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा है, आउटर गार्डन, इनर गार्डन और इसके अलावा जो 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, वो सारी सुरक्षा व्यवस्था तो रहेगी ही। इसके अलावा जो हर थाना क्षेत्र में, हर चौकी क्षेत्र के अंदर में जो हमारी पीआरवी हैं, जो हमारी फोर्स है, वो सभी लोग भ्रमण शील रहेंगे। 144 जनपद में लगी हुई है तो उसको देखते हुए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है अनधिकृत रूप से इकट्ठे ना हो पाए, उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो पूरी की जाएगी।